हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड रहेगी, लेकिन ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, तो अगर कोई और क्लास का भी देख रहा है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इसमें मैं बहुत अच्छे से सारे रूल्स और जो वर्कशीट है इसके सोल्यूशन करवाऊँगा। और आज का जो टॉपिक है इसमें रिपोर्टेड स्पीच का है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सुन लो ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच इज हाउ वी कन्वे द स्पीच टू द अदर पीपल। रिपोर्टेड स्पीच पता क्या है कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों से कन्वे करते हैं, क्या करते हैं, कन्वे बातचीत करते हैं, और व्हाट वी से और हम क्या कहते हैं, वही रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ये दो टाइप्स होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो क्वेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, मतलब जो स्पीकर ने कहा है एक एक शब्द वही होता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सैड वेयर योर मार्क्स प्रॉपरली। तो आप देखेंगे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, और एक एक शब्द ये टीचर ने तो कहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आ गई, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेटिंग मतलब होता है एक तरह से उसे वो बता रही है, वो लाइन कोट कर रही है, कोट करना, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया, ये टीचर ने बात बोली है तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक एग्जाम्पल नीचे दिया होगा, एग्जाम्पल ये देखिए, द डॉक्टर ने कहा यू कैन मीट मी टूडे, तुम मुझसे मिल सकते हो आज। तो ये जो एक एक शब्द है ये डॉक्टर ने कहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आप पता कैसे लगाओगे कि वो डायरेक्ट है या नहीं है, तो आप देखेंगे जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है। क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं सारे डायरेक्ट स्पीच है, ये देखिए ये सारी की सारी इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन इसमें कुछ हमें ना सेंटेंसेस वगैरह देखने पड़ते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाली बात आ जाती है जिन्हें इम्पेरेटिव कहते हैं। मैं आपको सारे रूल्स भी समझाऊंगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे केवल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो बच्चों ये आपके सॉल्यूशन हैं, आप ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे पूरा समझना चाहते हैं नरेशन को, ठीक है, तो वो अच्छे से समझें, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने के लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो यह काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, और आप एक ही बार में अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस जो हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये सब है, ये फिर एग्जांपल समझाए हैं, अभी हम समझाएंगे, वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब आ जाओ इनडायरेक्ट स्पीच, इसी बात को जब कोई दूसरा पर्सन बोलता है ना तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच की खास बात ये होती है कि इसमें जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग वो चेंज नहीं होता, ठीक है। बस कुछ जो वर्ड होते हैं, जो कुछ वर्ड होते हैं उन्हें चेंज करना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाती है। जैसे देखिए, टीचर ने कहा वियर योर मार्क्स प्रॉपरली, तो टीचर किन्हें कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। तो जब हमने इसका आंसर लिखा था टीचर टोल्ड अस, हमने अस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो टीचर है वो हमें क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सैड है तो इस चीज़ का एडवाइस भी लगा सकते थे, ठीक है। अभी आपको रूल समझाऊंगा, तो यहाँ पर टू लगा दिया। जब यहाँ पर एडवाइस वाली बात आती है ना बच्चों को ही, तो हम इम्पेरेटिव या ऑर्डर वाली कोई बात आती है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अभी हम स्पीच पढ़ा रहे तो सेंटेंसेस के टाइप नहीं बता रहे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है होता है। तो देखो एक बात और, जो रूल के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे रूल क्या कह रहा है, अब हम रूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए,
देखिए अब हमें यहाँ रूल्स दे रखे हैं ताकि हम अच्छे से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कर पाएं, ठीक है। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, इन द इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। ये देखिए जब हम इसका आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा इसलिए तो लगाया जाता है कि वो बात जिसने कही है ये पता लगाने के लिए, जैसे यहाँ टीचर साइड है और इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो ये बात टीचर ने कही है, और यहाँ पर टीचर टोल्ड अस लिखा ना तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा तो ये हम बता रहे हैं कि टीचर ने हमें ये बोला। सुन रहे हो, मीनिंग चेंज नहीं होता लेकिन जो बोल रहा है ना उसको कोई दूसरा जना बताता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो पहला रूल सबको समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता। आगे देखिए, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच की पास्ट टेंस में है तो देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज्ड टू द करस्पोंडिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत बड़ी बात बोली बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच की पास्ट टेंस में है तो सारे के सारे जो प्रेजेंट टेंस होंगे ना वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट में होगा वो पास्ट में हो जाएगा, पर आप देखेंगे यहाँ पर टू लगा तो टू के ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। ये देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है तो इसलिए यहाँ पर कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। मतलब आपको ये याद रखना है अगर यहाँ पर पास्ट है तो ये जो सेंटेंस आगे का लिखा हुआ है ना ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर पास्ट है तो ये पास्ट में बदलेगा लेकिन करस्पोंडिंग क्या बदलेगा, करस्पोंडिंग का मतलब होता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। सुन रहे हो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। मैं आपको जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए थे ना उसमें और समझाता हूँ। देखिए ये रूल है, ये क्या है, पास्ट सैड है ना, तो सैड का सैड रह रहा है, सैड टू का टोल्ड हो जाता है अगर फुल स्टॉप लगा और अगर वो बात कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं ना और फुल स्टॉप होता है तो वहाँ पे सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। मैं आपको जो करस्पोंडिंग बता रहा हूँ ना, करस्पोंडिंग वो बताता हूँ। देखो ये प्रेजेंट वाला है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन अगर पास्ट में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, उसे भी पास्ट में बदल देना, लेकिन करस्पोंडिंग कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूडस लिखा हुआ है, तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल दोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज एम आर लगा हुआ है, तो वहाँ पे वाज वर्ब कर देंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो बच्चों आपको आ रहा, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पर उसे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो एएससी स्टार्टर, जो यूट्यूब का नाम है चैनल का, ठीक है। तो इज एम आर है तो वाजर हो जाएगा, हैज है तो हैड हो जाएगा, विल शैल है तो वुड शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, वाजर का ठीक है क्या हो जाएगा, हैड बिन। अगर वाजर आ गया ना कहाँ पर, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर, अगर वाजर आ गया तो हैड बिन कर दोगे, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही पास्ट में आ गया तो। अभी तो हमने पेरेंट वाला पढ़ा था ना बच्चों कि जब प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगा, लेकिन अगर पास्ट में आ गया तो आपको ये याद रखना, अगर पास्ट में आएगा तो आप एक कदम आगे बढ़ जाओगे। मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आप पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे, आप पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बदलोगे। मतलब अगर डिड नॉट आ जाए तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो आप थर्ड कर देंगे, और ये टूडे का डेट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, हियर का देयर, ये सब बदल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो ये आपको करस्पोंडिंग वर्ड समझ में आ गया।
ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं बच्चों ये वाले, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। तो अगर ये पास्ट में है, ध्यान सुन लो, ये पास्ट में है तभी हम जो इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं ना उनको चेंज करते हैं। अगर ये पेरेंट में होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में जो पेरेंट में है वो पेरेंट में रहेगा, फिर पास्ट में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रही है? अगर ये से लिखा होता, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा राम सेज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो राम ने कहा, राम कहता है कि तू मेरा फ्रेंड है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना यहाँ पर बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट। तो हम इसको पास्ट में नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे आर की जगह वास वर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे इज़ाम आर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रूल वन रूल टू से इस तरह से लिख रखा है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया करस्पोंडिंग के हिसाब से, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, आगे कौन सा रूल बताया हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको पहला रूल अच्छे से समझा दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है तो जो भी सारे पेरेंट टेंसेस होते हैं वो करस्पोंडिंग टू पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। अभी समझा दिया ना करस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात आपको और एक्स्ट्रा बता रहा था कि अगर प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस होता तो हम एक कदम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ गया, ये कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच की पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। आगे देखिए, द कंजक्शन दैट इफ वेदर आर जनरली यूज इफ इट इज अ यस नो क्वेश्चन। ये कह रहा है जब हम आंसर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे ना, तो हम इफ और वेदर का यूज तब करते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमा में जो लाइन लिखी हुई है उसका आंसर यस या नो में, या यस या नो में हो, यानी कि वो क्वेश्चन मार्क में होगा। अगर कोई क्वेश्चन मार्क में है और उसका आंसर, जैसे आपको उसकी हिंदी समझ में आ जाती है और आपको पता लग रहा है इसका आंसर यस या नो में है, आपको पता होना चाहिए कि आंसर यस या नो में कब होता है। आंसर यस या नो में तब होता है बच्चों जब कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अगर कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है तो वहाँ पर जब हम आंसर देंगे यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वहाँ पर हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करना है। मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर ये डू लिखा है ना, तो बच्चों ये डू हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन मार्क आता है ना तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? इफ़ या वेदर का, ठीक है। ये देखिए ये वुड है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मैं आपको सारी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मार्क आए, या ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से क्वेश्चन मार्क आए तो वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है। देखो इफ़ का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इफ़ का यूज़, है ना। तो आपको ये चीज़ रखनी, देखो यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली है ये, तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी इफ़ या वेदर का यूज़ हुआ, यहाँ पर भी तो क्वेश्चन मार्क है। डब्ल्यू एच फैमिली अलग होती है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अलग है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्या है? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह। ये रूल है, यहाँ से देखो रूल नंबर सेकंड नाम दिया मैंने इसको। अगर इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? देखो अगर देखो इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसमें जो सेंटेंस होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो फुल स्टॉप वाले होते हैं, क्या होते हैं? फुल स्टॉप, या वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। अगर फुल स्टॉप है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस सिंपल में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है तो डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। अगर वो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव का मतलब होता है यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, क्या दे रहे हो?
ऑर्डर दे रहे हो, थ्रेटन किसी को धमकी दे रहे हो, तेरे को मार डालूंगा, भीख मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लीज वर्ड लिखा था तो हम समझ जाते हैं ना कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे टू लगाया जाता है बच्चों, क्या लगाया जाता है, टू, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके दोनों के एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए देखिए, यहाँ पर लिखा है हर्षित इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आप देखिए फुल स्टॉप लगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या, जब इसका आंसर करेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम डैट का यूज़ करेंगे। ये देखिए डैट लगाया ना, लगाया नहीं लगाया डैट। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है लेकिन हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़, ठीक है। तो आप ये याद रख लो बच्चों, ये जो नोट्स हैं ये, इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए दैट कब लगाएंगे, जब सिंपल होगा, सिंपल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पता ना, जैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, इस तरीके से। इम्पैरेटिव होगा तो वहाँ टू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जैसे डू डस, डिड इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड शैल विल कैन, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, पता ना, ऑक्सिलरी जो मोडल्स होते हैं ना, मोडल्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ओट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, इस तरीके से अगर इनसे क्वेश्चन मार्क बनता है तो वहाँ पे हमें इफ या वैदर लगाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। और इनके आंसर क्या होते हैं, यस या नो में तो होते हैं, जैसे मैं बोला क्या तुम पढ़ सकते हो, आप क्या बोलोगे, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, या मैं नहीं, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता। क्या तुम बाजार जाओगे, तो बोलोगे या मैं, हाँ मैं जा सकता हूँ, या आप बोलोगे नहीं मैं नहीं जा सकता, हाँ या ना, या हाँ मैं जाऊँगा, या मैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, हाँ या ना। तो बच्चों ये जो इफ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाइए, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, ऑक्सिलरी वहाँ पे वेदर भी लगा सकते हैं। और डब्ल्यू एच फैमिली आए तो कुछ भी नहीं लगाते, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था ना, डब्ल्यू एच फैमिली आ रही तो वहाँ कुछ भी नहीं लगाते, डब्ल्यू एच की फैमिली ही आ जाती है, हाँ या ना। और डब्ल्यू एच में पता ना व्हाट का मतलब क्या होता है, हु मतलब क्या होता है, हुज, ये मैंने लिख भी रखा है, हु मतलब किसे, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये रूल। चलो वापस चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि हम इफ़ या वेदर का यूज़ तब करते हैं जब इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो हमसे यस या नो में आंसर पूछ रहा हो, ठीक है, या हम सिंपल कहें वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो, हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो। आप देख सकते हैं, मैंने दोबारा अभी बता देता हूँ, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इफ़ लगा रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इफ़ लगा रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में अच्छे से अच्छे ये डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच आ जाए। नींद आ रही होगी तो आप बाद में समझ सकते हैं, बाद में देख लेना, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो नींद नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये तो आपको पता ही है बच्चों की जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कह रहा था टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, ये कह रहा है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता। ये देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए ये सैड है ना, पास्ट में है ना, पास्ट में है ना सैड, तो यहाँ देखिए पास्ट में तो है आज, ये भी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए यहाँ पे, ये तो इम्पैरेटिव में दे दिया ना, यहाँ देखिए ये देखो सैड लिखा है, तो सैड ही तो लिखा है, क्या ऐसा हुआ कि सैड की जगह से हो गया, नहीं हुआ ना, सैड की जगह सैड ही तो है, जो मैंने लिखे वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। अब देखिए, देखिए ध्यान से, ये पास्ट में तो पास्ट में है, पास्ट में तो पास्ट में है, पास्ट में तो पास्ट में है, पास्ट में पास्ट में, पर क्या रखना, अगर फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप आता है तो सैड की जगह सैड रहेगा, टू लग जाते तो टोल लगा देते हैं, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब अब सैड की जगह टोल भी लिख देते हैं अगर वो कह रहा है तो, लेकिन जो रूल है ना वो बिल्कुल ऐसे ये है कि सैड की जगह सैड टू लगेगा तभी टोल लगाते हैं। कंडीशन क्या है, वहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ होगा, इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, सैड की जगह सैड रहेगा, सैड की जगह टोल्ड आ जाएगा, ये मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट करा हुआ है, ये चीज़ ये दोबारा लिखी हुई है। और अगर क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है तो सैड की जगह कर देंगे आस्क्ड। अब तो क्या कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं ना बच्चों, आस्क्ड पहले से लिख के दे देता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर पहले से आंसर ही दे दिया बच्चों को, आस्क्ड देने दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क में जब हम आंसर करते तो यहाँ पे आस्क तो लगाएंगे जब वो पूछ रहा है, तो यहाँ पहले से दे दिया, तो बच्चों क्योंकि अब नाइन्थ में हो ना,
थोड़ा इजी सा भी दे रहा है और एट्थ के बच्चे भी यूज़ करेंगे, टेंथ के भी यूज़ करेंगे, सबके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो मैंने ये क्या लिख रखा है, अगर पेरेंट टेंस है, अगर पेरेंट टेंस है तो से का सेस का सेस रहेगा, से टू का टेल, तो जो इन्वर्टेड कोमा में है ना वो पेरेंट टेंस में रहेगा। बताया था ना मैंने अभी कि अगर पेरेंट टेंस में इज़ामार लिखा है तो हमें आंसर में भी इज़ामार ही लिखा रहने देना है। हाँ या ना? तो ये पेरेंट वाले रूल हैं, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें पास्ट टेंस के रूल दे रखे हैं खाली, लेकिन आपको पेरेंट के पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, सेटू की जगह आस्क आएगा। कब आता है ये आस्क? जब क्वेश्चन मार्क लगाओ और सेज लिखा है तो आस्क लग जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके, चलो समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। क्लियर हो गया ये आपको? इसका नाम मैंने रूल नंबर 1 दे रखा है वैसे, ठीक है? आगे देखिए, आगे देखते बच्चों अब कौन सा रूल है। ये कह रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस। ये कह रहे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। वो टोल्ड भी हो सकती है, आस्क्ड भी हो सकती है, इंक्वायर्ड भी हो सकती है। मैंने अभी आपको बच्चों समझाया था ना, ये देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो सेट लिखा है, सेट टू लिखा है, ये सेंस के अकॉर्डिंग। सेंस का मतलब क्या है कि जो इन्वर्टेड कोमा में जो लाइन लिखी है वो क्या है, वो कह रही है, तो टोल्ड लगाएंगे, मतलब फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप से पहचान सकते हो। अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो वो पूछ रही है तो आस्क्ड लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मतलब हमारी याद करने के अकॉर्डिंग सेंटेंस, तो और भी बहुत सारे टाइप है। तो आपको अगर फुल स्टॉप है तो ये तो डायरेक्ट टू लगाएंगे, तो टू वहाँ लगाते हैं जब इम्पेरेटिव होता है। तो इम्पेरेटिव में हमें क्या लगाना पड़ता है? ऑर्डर्ड, थ्रेटन, बैग्ड, रिक्वेस्टेड, ये वर्ड लगाने पड़ते हैं ना। तो ये जो चेंज हुआ है ये क्या, ये कौन सी चीज़, ये कब आएगी? रिपोर्टिंग वर्ब अगर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है तो वहाँ पर हम रिक्वेस्टेड, थ्रेटन कब लिखेंगे? जब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो अब यहाँ पर फुल स्टॉप है ना, तो अब आप बताइए ये कौन सी सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है ना, ऑर्डर दे रहा हूँ ना मैं, पानी लेकर आओ मेरे लिए। हाँ है ना? तो अगर इम्पेरेटिव होता तो इस सेड टू की जगह क्या लगेगा? सेड टू की जगह लगेगा ऑर्डर्ड। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये ऑर्डर्ड आ जाएगा इसके आंसर में। अब देखिए ऑर्डर्ड आ गया। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया है कि इन्वर्टेड कोमा की जगह, जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं उसकी जगह क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाते हैं यहाँ पर टू। क्या लगाते हैं? टू। देखो दोबारा से समझ लो बच्चों, अगर फुल स्टॉप है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट लगाएंगे। कब दैट लगाएंगे? जब वो सिंपल में पॉजिटिव या नेगेटिव है। इन्वर्टेड कोमा की जगह हम यहाँ, इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, भीख मांगना, ये सब इम्पेरेटिव होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से रूल याद करना है, क्योंकि देखो आप शुरू में हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन पूरा वीडियो देखते देखते आपको पूरा अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो जब डैट कब लगाएंगे? जब सिंपल में होगा, लेकिन वहाँ पर भी फुल स्टॉप है और यहाँ पर भी फुल स्टॉप है। आपको पहचानना है वो इम्पेरेटिव तो नहीं है। इम्पेरेटिव क्या होता है समझ में आ गया? क्या रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बैग करते हैं, भीख मांगते हैं, इस तरीके से। तो वहाँ पर टू लगाना पड़ता है इन्वर्टेड कोमा की जगह। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी जगह इन्वर्टेड कोमा की जगह ये रूल बताया कि क्या लगाना है। इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें दैट लगाना है, टू लगाना है, इफ लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। समझ में आ रहा है ना? पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है? ठीक है तो बच्चों समझ में आ गया। और अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो, अगर क्वेश्चन मार्क आता है और सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर लगाते हैं। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते। आप इन सेंटेंस से आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये फुल स्टॉप का बताया था तो यहाँ पर डैट लगाया थे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगेगा? टोल्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि
फुल स्टॉप में जब सिंपल बात होती है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहाँ पर टोल लगाया जाता है। और ये किसके अकॉर्डिंग तय होता है, ये देखिए रूल है ये रहा, ठीक है। ये देखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए। ये लिखा है ना, तो यहाँ फुल स्टॉप होता है तो टोल लगा देते जब स्टार्ट टू लिखा है, ठीक है। तो और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर सेट टू जो क्या लगेगा, आस लगेगा। और मैंने आपको बताया कि अब आजकल तो आस पहले से लिखा आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, इफ लगेगा। क्या लगेगा, इफ। ये बच्चों आ रहा है ना समझ में। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली आएगी तो डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पर तो आस लगाएंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली का डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सैड की जगह। हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आस आ जाएगा, ठीक है, ए एस के ई डी आस्क। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह बताओ क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी से, हाँ इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की वजह से या औद्योगिक वर्ब से अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, इफ या वेदर लगाया जाता है। आप आंसर नीचे देख भी सकते हैं, या आप प्रैक्टिस करना फिर आंसर मैच करना, फिर आपको पता लग जाएगा। और भी हम करेंगे, अभी वीडियो खत्म नहीं हो तो चलेगी, ठीक है। आप इसको बाय पार्ट में भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख लेना, ऐड वैड भी नहीं आएगी तो उससे भी आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो आगे समझते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया, टोल्ड आस्क इंक्वायर्ड ये वर्ड कब लगाने होते हैं, टोल्ड जब सिंपल होते हैं, ठीक है, आस्क जब वो क्या बोलते हैं, जब क्वेश्चन मार्क आता है इंपेरेटिव या हेल्पिंग वर्ब की वजह से, ठीक है। और जो इंक्वायर्ड है, ठीक है, तो इंक्वायर्ड जो है वो इंपेरेटिव की वजह से आता है, आस्क जो है वो डब्ल्यू फैमिली की वजह से, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की वजह से लगाते हैं, इंपेरेटिव में इंक्वायर्ड ऑर्डर रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, टोल जब लगाते जब सिंपल या नेगेटिव होता है, आस्क तब लगाते जब क्वेश्चन मार्क आता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से हो या वो डब्ल्यू फैमिली से हो, ठीक है। और इंक्वायर तब लगाते जब वो इम्पेरेटिव होते हैं, जब हम किसी से इंक्वायरी पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, एक्सेट्रा लिखा ना, और भी बहुत सारे होते हैं, किसी को धमकी देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से बैग भीख मांगना, इस तरीके से। ये कह रहा था फर्स्ट पर्सन, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच, एंड द सेकंड पर्सन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डजंट चेंज। ये रूल अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा ये क्या कह रहा है। देखिए इसका नाम मैंने रूल नंबर थर्ड दिया, जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी, तो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, पता है ना आपको सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले ये देखिए, यहाँ लिखा है राम सेड टू मोहन, तो जो कह रहा होता है ना, ये जो पहले है ये सब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और जिससे वो कह रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब मुझे बताइए आई सेड टू यू, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई जो पहले है, और बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुन रहे मेरी बात, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता होंगे ना तो इस रूल को समझ नहीं पाओगे। अगर आई लिखा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। यू लिखा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू लिखा है अब यह शुरू में, तो अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मी लिखा तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको याद रखना जो शुरू में है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है, जो कह रहा है वो सब्जेक्ट है। क्योंकि कई बार लाइन छोटी सी लिखी होती है तो उसमें हम समझ नहीं पाते कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसकी हिंदी आनी चाहिए। अब यहाँ सब्जेक्ट है ये, और ये क्या ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गए। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम मैंने रूल नंबर थर्ड लिखा है। तो अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन। अब आपको ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, आई माई वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ऐसे मी भी होता है, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन में बच्चों यू और योर आते हैं, और थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम दे हिज हर, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये शब्द लिखे आ जाए, अगर ये लिखे आ जाएंगे तो हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट लड़का है या लड़की है, कौन है,
तो उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देंगे। और अगर यू और यू लिखा आता है, आप बोलोगे ये कहाँ लिखे आते हैं, ये देखो ये यहाँ लिखे आते हैं, देखिए ये यू लिखा है ना, इन्वर्टेड कोमा की बात कर रहा है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं ना, उसको आंसर में कैसे चेंज करते हैं, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यू लिखा हुआ है ना, आर यू नॉट ईटिंग एप्पल, आप आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए यहाँ पर ही हो गया। आपको पता है ही क्यों हुआ, पता है आपको ही क्यों हुआ, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको ही क्यों हुआ। ये देखिए यहाँ पर यू है ना, तो ये कह रहा है अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेकंड पर्सन है, कौन है, यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है ना, तो यू सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन, राम, लड़का या लड़की है, लड़का है, तो इसके आगे हम ही लगाएंगे, इस यू की जगह ही कर देंगे, क्या कर देंगे, ही कर देंगे। देखिए आंसर में यहाँ पर ही कर दिया, नहीं कर दिया, समझ में आ गई। तो ये बता रहा है कि अगर इन्वर्टेड कोमा में, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आई माई वी अवर अस है तो आपको पहले वाले को देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, अगर यू योर आता है तो आपको सेकंड यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, और अगर ये वर्ड लिखे आ जाए, ये वर्ड लिखे आ जाए तो आपको इनको सेम लिखे रहने देना है, इनको चेंज नहीं करना, समझ में आ गया। अब एक बार मैं आपको एग्जाम्पल और बता रहता हूँ, ये देखिए, देखिए राजू टोल्ड मोहन, ये तो आंसर हो गया ना, क्वेश्चन दिखाते हैं पहले, देखिए राजू सेट टू मोहन, हर्षित इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो अब आप देखिए सेट टू की जगह क्या कर देंगे, फुल स्टॉप है ना, तो टोल्ड कर देंगे, अलग रूल समझा दिया मैंने। दूसरा रूल था कि इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाना है, फुल स्टॉप है तो क्या लगाएंगे इसकी जगह, डैट लगाएंगे, ठीक है। तीसरा रूल आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये हर्षित है, हर्षित थर्ड पर्सन है ना, तो हर्षित का हर्षित ही आ जाएगा, ठीक है। चौथा रूल मैंने आपको बताया था कि ये जो सेट टू है, अगर ये पास्ट में तो करस्पोंडिंग चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो इसका वास वर हो जाएगा, बताया था ना मैंने, तो इसलिए इसका आंसर ये देखो, हर्षित का हर्षित रहा, वास नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। देखो इस एम आर का वास हो गया ना, अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको आएगा समझ में, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया ये कैसे करना है, अगर ये वर्ड लिखाएंगे तो चेंज कर रहे हैं नहीं करना, हमने हर्षित को कोई हर्षिता कर दिया, हर्षु कर दिया, हर्षित ही तो रहा, तो ये आपको कह रहे नेम आ जाए, ही शी इट आ जाए, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है आई सेड टू यू, अच्छा ये तो इम्पैरेटिव हो गया, इसको रहने दो, यहाँ देखो आई सेड टू यू, यू आर नॉट स्टडिंग वेल, मैंने तुमसे कहा कि तुम पढ़ाई सही नहीं कर रहे हो, तो अब आप देखो यहाँ यू लिखा है ना, तो आप बता सकते हैं यू कौन है, यू कौन है, सेकंड पर्सन है ना, वेरी गुड, सेकंड पर्सन तो किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहाँ यू का यू ही रहेगा, तो आंसर देखिए सातवें का, देखिए यहाँ पे यू का यू ही रहा, ठीक है। अच्छा मैंने क्वेश्चन में उतारा का ये रहा, यू का यू रहा, और अब देखिए और भी इसका रूल बता रहे थे, पूरा हो जाएगा, सेट टू की जगह टोल लगाया, फुल स्टॉप था, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाया क्योंकि फुल स्टॉप था, ठीक है, और यू का यू क्यों रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट यू हो तो यू ही रहेगा, और मैंने कहा था करस्पोंडिंग सब्जेक्ट वर्ब कौन सी है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ पर सेट टू पास्ट है, तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, ठीक है। तो इस एम आर का क्या हो जाएगा, वास वर हो जाएगा, अगर किसी को प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस याद नहीं है, तो मैंने ये रूल इसलिए लिख रखे हैं, आप इसको याद करेंगे ना ये सारे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आराम से कर पाओगे। ये वाला रूल समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, क्लियर हो गया, और ये वाला भी अच्छे से पता लग गया ना, कि फुल स्टॉप होता है तो डैट लगाते हैं सिंपल नेगेटिव में, इम्पैरेटिव में टू लगाया जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट वर्ब होती है वो किस में बदल जाते हैं, ऑर्डर थर्ड में, इफ़ आ जाए कब लगाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए या इम्पैरेटिव हो जाए, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है, इम्पैरेटिव गलत बोल दिया मैंने, इम्पैरेटिव में टू लगाते हैं, और इफ़ या वेदर कब लगाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए या ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए, ठीक है, और कुछ भी कब नहीं लगाते, जब डब्ल्यू एफ फैमिली हो जाए, डब्ल्यू एफ फैमिली है तो कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है। अब आपको और अच्छे से आ रहा होगा, आपने पेशेंस से समझा, धीरे रखा है,
धैर्य रखा आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, तो इस तरीके से अब एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चार रूल्स थे, ठीक है। अब देखिए, द डॉक्टर का डॉक्टर आ गया, सैड लिखा है तो सैड लिख दिया, फुल स्टॉप है यहाँ पर तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। यू क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, द डॉक्टर सैड, तो हमसे क्या होगा। अब आपको ये दिमाग में रखना है, डॉक्टर ने एक जने को कहा या एक से ज़्यादा जनों को कहा। तो आप अगर एक से ज़्यादा जने मानते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे वी, कि हम सबको कहा। समझ में आ गई, सुन रहे मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा ना, तो अगर आप एक जने को मानेंगे तो यहाँ पर आप आई भी लगा सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात, आई, फिर कैन का मैंने क्या बताया था, पास्ट बन जाए कुड, और जब मोडाल्स आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी रहती है। अब मी, मी है तो बच्चों किसको देखेंगे, क्या है ये मी, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट है तो फर्स्ट को देखेंगे, डॉक्टर को, डॉक्टर लड़का है लड़की है, लड़का है या लड़की है, अब हमें याद ही नहीं, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे हिम की जगह हर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप हिम भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद टुडे का क्या बताया था मैंने, डैड डे, ठीक है। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इससे पहले देखो एक बात और सुनो, ये सबसे पहले जब आप इसको करोगे ना, आप ये सारे रूल्स अच्छे से याद कर लें, ठीक है, ये सारे, ठीक है, मैंने समझा दिए, इतनी वीडियो आपने देखी है, इसको याद करें, ये सारे देखो कौन किस में कन्वर्ट होगा, ये वाले, ठीक है। और टुडे का ये याद रखना पड़ेगा, टुडे का डेड डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, हेयर का देर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर आप ये एग्जांपल पहले करना, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बेस क्लियर होगा। मैंने इस हिसाब से एग्जांपल लिखे हैं बेस क्लियर करने के लिए, सुन रहे मेरी बात, ये सारे आंसर भी हैं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक पहले ना ये समझा रहा हूँ, फिर वो मैं समझाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। देखो ये लिखा, राजू सैड टू मोहन, ठीक है, तो राजू सैड टू मोहन, हर्षित इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको रूल समझाया, राजू का राजू आ जाएगा, सैड टू की जगह क्या लगा देंगे हम, टोल लगा देंगे, ठीक है, मोहन का मोहन आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप तो डैट लगा देंगे। हर्षित थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता ना, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, ये देखिए थर्ड पर्सन जो होते हैं उनमें नो चेंज, ये लिखा एन फॉर नो चेंज, ठीक है, तो हर्षित थर्ड पर्सन है तो नो चेंज आएगा। मैं इसमें ना पांच एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप खुद इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए हर्षित का, अब यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, ये पास्ट में है ना, तो इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो किसे बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, तो इसका क्या वास, हर्षित लड़का एक ही तो है, तो वास सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, ठीक है, तो गोइंग टू स्कूल बाकी सारा सेम उतर जाएगा, आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ठीक है। अब मैं ना जो मैंने क्वेश्चन और आंसर साथ साथ नोट कर रखे ना, वो समझा देता हूँ ताकि ऊपर नीचे ना करना पड़े। देखो आई का आई आ गया, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, देखिए फुल स्टॉप है ना, तो सैट की जगह टोल लगाया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। अब यहाँ पे यू है, अभी मैंने पहले भी समझाया था, है ना, तो यू क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, यू क्या सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, यू का यू आ गया, और ये किसमें है, सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट, बोलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस बदल गया, ठीक है, यू आर का वर हो गया, क्योंकि यू के साथ वर लगता है, वास नहीं लगता, नॉट गोइंग वेल। एक एग्जांपल और देखो, यू सेड टू मी आई लाइक माई मदर, तो यू की जगह यू आ गया, सैड टू की जगह क्या लगा देंगे, टोल्ड, ठीक है, सैड टू की जगह क्या लगाएंगे, टोल्ड, क्यों लगा लें टोल्ड, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप आया तो टोल्ड लगाना है, और मी का मी, सैड टू की जगह मी आ गया, टू मत लगा देना दोबारा से, ठीक है। और आई है, आई क्या बच्चों, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो पहले को देखना है, पहला क्या यू, तो यहां पर भी यू हो जाएगा, और यहाँ पे ये, अब बताइए सेंटेंस कौन सा है, लाइक का प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो
तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा लाइक का लाइक हो जाएगा। अब माई है, माई भी कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो पहले वाले को देखना है, फर्स्ट पर्सन है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ये देखिए, ये आपको ये याद करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो पहले वाले को देखना है, सेकंड है तो बाद वाले को देखना है, ठीक है। और अगर ये आते तो नो चेंज, वही सेम उतार देना है। ये अगर आपको याद हो गया अच्छे से तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर माई का यू है तो यहाँ पे यूर हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो दैट यू लाइक्ड, यू नहीं होता, यू लाइक योर मदर होता है, ठीक है। तो आपको पॉजेसिव भी याद रखनी पड़ेगी। आपको पता पॉजेसिव क्या होते हैं? देखो एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, पॉजेसिव होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजेसिव होता है माई। तो जब अधिकार की बात की जाती है तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ही का क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का, हिम, लेकिन पॉजेसिव में हिज हो जाता है। ये आपको पॉजेसिव भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलो तो उसके बाद आगे मदर का मदर उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देखो, जब आप 15-20 एग्जांपल करते हैं ना तो आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखो दे टोल्ड मोहन दैट, ये तो आंसर ही पढ़ दिया मैंने, तो यहाँ पे आंसर ही आंसर है, नीचे ऊपर क्वेश्चन थे। तो बच्चों इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अब हम वापस वर्कशीट पे चलते हैं। पॉजेसिव अधिकार की बात होती है, जैसे ये मेरा है मतलब माई, ठीक है, और यूर मतलब तुम्हारा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो और कौन से बच्चे, फटाफट इनको कर लेते हैं। द टीचर आस्क्ड मी डू यू वांट टू गो टू कॉलेज, कि टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम कॉलेज जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया। इफ़ क्यों लगा बच्चों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से है, हाँ है ना। और अब देखो यू कौन है, ये यू कौन है? टीचर या मी, बताओ कौन है? हाँ वेरी गुड, यू जो है वो है सेकंड पर्सन, और जब सेकंड पर्सन होता है तो बाद वाले को देखते हैं, हाँ या ना। बाद वाले को देखेंगे ना सेकंड पर्सन में। देखो दोबारा दिखाता हूँ, देखो बच्चों ये देखो यू और यूर आते हैं तो सेकंड पर्सन होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ठीक है। आई माई वी अवर अस आता है तो हमें किसको देखना होता है? सब्जेक्ट को देखना होता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए बच्चों यहाँ पर यू लिखा है, तो यहाँ यू हम किसको देखेंगे? मी को। तो मी कौन है? मैं। तो यहाँ पे आई आ जाता है, शुरू में आई आ जाएगा, ठीक है। और वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, ये डू गायब हो जाएगा, डू नहीं आएगा, क्योंकि जब आंसर देते तो डू नहीं लगाते। तो आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज, बाकी सारा सेम आ गया। अब एग्जाम्पल और देखो, देखो ये कह रहे वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली, मतलब क्या तुम मुझे, अब आगे देखिए नेक्स्ट है वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब से आया है, किससे आया? ऑक्सिलरी वर्ब से आया, हाँ या ना। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? इफ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लीज लिखा आ गया ना, तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया कि प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। समझ में आ रहा है? रिक्वेस्टेड आ गया। आप सोचेंगे भाई ये तो इम्पैरेटिव वाली बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो फिर हमें इफ लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से क्वेश्चन बनता है तो हमें इफ का यूज करना पड़ता है, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये लिखा ना वुड यू माइंड, तो यहाँ पर यू यू का क्या करेंगे आप? ये मी, ये कौन है मी? मैं खुद, ठीक है, मुझे बोल रहा है। तो यहाँ पे आई लगा दिया और फिर आई के साथ कुड लगाएंगे, और जब कुड लगता है, मुड़ास लगता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और किसको उठाना? उसको, थर्ड पर्सन को, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन माना है। क्या माना है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हिम कर देंगे। थोड़ा सा इसमें है कि आपको उसकी हिंदी समझ में आएगी ना, तो आप उसे बेटर कर पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा प्लीज पुट आउट द लाइट, कृपया करके लाइट को क्या कर दीजिए? पुट आउट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ प्लीज भी लिखा आ गया, तो ये इम्पेरेटिव हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पर आप टू लगाएंगे, और पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना, कि वो कह रहे प्लीज लाइट को बुझा दीजिए, ये कह रहा है। तो आप यहाँ शी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी, ये अपने आप लिखना पड़ेगा कि उसने मुझसे प्रार्थना करी, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी या शी रिक्वेस्टेड मी, बाकी सारा सेम लिख देंगे।
टू लगा के, क्योंकि इम्पेरेटिव में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू। देखिए अब आपको जो वर्कशीट मिली है उसमें जो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं वो ये वाले करने हैं, मैंने आपको शुरू में भी दिखा दिए थे, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को सब आंसर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको समझा रहा हूँ। तो देखिए पहला है शी सैड, उसने कहा, और मैं ये उम्मीद करूँगा आप पहले खुद ट्राई करेंगे। शी सैड आई वेंट टू म्यूजियम विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। देखिए बच्चों आप फटाफट बताइए, सैड लिखा तो सैड लिखते हैं, मैं आपको रूल दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। देखिए ये सैड किसी का सैड रहता है, ठीक है, ये वाला रूल हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं अच्छे से बता चुका हूँ इसके बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर पास्ट में आ जाता है तो हमें एक कदम छोड़ के आगे बढ़ना होता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है, हाँ या ना, ये रूल बताया था ना मैंने, तो वही हम इसको अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो आप इसका क्या कर देंगे, देखिए शी सैड आ गया सन में, फुल स्टॉप लगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट पर्सन है तो पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले लड़की लिखा तो यहाँ पे शी कर देंगे, और यहाँ पे क्या लगा है, पास्ट इंडेफिनेट, और मैंने आपको क्या बताया था, जब पास्ट इंडेफिनेट होता है तो पास्ट परफेक्ट बदल जाता है, तो वेंट की जगह हेड आ जाएगा और गोन लगा देंगे, वर्ब ये गो की सेकंड फॉर्म है ना वेंट, तो यहाँ पे गोन कर दिया। बाकी टू म्यूजियम विद माई, फिर माई आ गया। अब बताओ ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, क्या ये फर्स्ट पर्सन, तो शी का क्या लगाएंगे, हर, शुरू में शी लगाया जाता है लेकिन अगर बाद में वर्ड आते हैं तो यहाँ पे हर का यूज़ करना पड़ता है, हिस का, हिम का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा, समझ में आ गया। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से आ जाए। तो शी सैड दैट, उसने कहा था, शी हैड गोन टू द म्यूजियम विद हर फ्रेंड्स द प्रीवियस डे, कि वह जो है जा चुकी थी, कब कहाँ जा चुकी थी, म्यूजियम में जा चुकी थी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, कल, तो हम लिखेंगे बीते दिन जा चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, दे सैड वी हैव नेवर बीन टू सिंगापुर, उन्होंने कहा कि हम कभी सिंगापुर नहीं गए, तो यहाँ दे के अगर दे लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा हुआ तो डैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा है तो डैट इन्वर्टेड कोमा जगह डैट लगा देंगे। अब मैंने बता दिया ना, देखो फुल स्टॉप आता तो क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं, हाँ या ना, आ रहा है समझ में। उसके बाद वी है, यहाँ पर क्या वी, अब वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर दे लगाएंगे। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, नेवर का नेवर, बीन का बीन, टू का टू, सिंगापुर का सिंगापुर, समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट, निशा आस्क्ड, निशा ने पूछा, हाउ मच पॉकेट मनी डज रीमा गेट, कि जो रीमा है ना उसको कितनी पॉकेट मनी मिली थी। तो अब आप देखेंगे या निशा का, निशा आस्क्ड था, आस्क्ड लिखा हुआ है, डब्ल्यू एच फैमिली मैंने कहा था जब आते तो आस्क्ड लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता, क्या कुछ भी नहीं लगता, मैं दिखाता हूँ दोबारा, देखिए क्रॉस लगा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा जब हो तो कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाउ मच पॉकेट मनी और डस्ट का डिड हो जाएगा, डिड रीमा गॉट, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे समझ में आपको, आगे देखिए नेक्स्ट है, आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज चार्ज द लैपटॉप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव हुआ, क्या हुआ, इम्पेरेटिव, फुल स्टॉप है, तो आप ये मत सोचना कि इन्वर्टेड कॉमा में डैट लगा देंगे, आपको देखना है कि फुल स्टॉप दो तरीके से होता है, कि फुल स्टॉप दो तरीके से होता है, एक तो सिंपल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता है, दूसरा इंपेरेटिव, आपको सेंटेंस पहचानना होगा। क्वेश्चन मार्क दो तरीके से होता है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी या डब्ल्यू एच फैमिली की वजह से, आपको पहचानना होगा, सुन रहे मेरी बात, आ रहा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप तो है लेकिन प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज रिक्वेस्टेड हो गया, यहाँ पर सैटर जो क्या आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया, क्या आ गया, रिक्वेस्टेड माई ब्रदर। उसके बाद क्या लगा देते हैं इंपैरेटिव में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, बाकी चादर लैपटॉप प्लीज गायब हो जाएगा, समझ में आ गई, समझ में आ गई। आगे देखिए, रवि आस्क्ड, रवि ने क्या कहा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, रवि ने क्या पूछा, क्या तुम कल आने वाले कल फ्यूचर वाले कल में कि फुटबॉल खेल रहे हो, तो
अब आप देखिए, आज तो पहले से लिखा हुआ दे दिया, मी लगा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किसकी वजह से है? हेल्पिंग वर्ब की वजह से, तो यहाँ पे इफ लगा दिया। अब तक तो आ रहा होगा समझ में, अब तो आ रहा होगा अच्छे से। यू है ना, यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन। और जब सेकंड पर्सन आए तो बाद वाले को देखेंगे, तो सेकंड पर्सन कौन है? आप खुद हो। और अगर आप बोलो कि आपसे बोल रहे, तो आप आई लगा दोगे, और आर की जगह क्या देखो, वास। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, जब हम आंसर देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, आंसर देते हैं, तो आंसर में हमेशा फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। अगर आपने एक्टिव पैसिव करी होगी ना, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ना, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन मार्क का आंसर लगाना जरूरी होता है, फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क थे, फुल स्टॉप आ गया। समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे रवि आस्क्ड मी हो गया, हमने लगा लिया कि उसने मुझे बोला था, क्योंकि आप यहाँ पर जो लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, मी लगा दी, क्योंकि जब यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता ना, तो हमें खुद ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। ऑब्जेक्ट अपने आप को ही मानना करो, एक ही तरीका है, अपने आप को मान लो, मी लिख दो। तो यहाँ पे यू कौन है? सेकंड पर्सन, तो बात को देखने, बाद में मैं खुद ही हूँ, तो मैं मेरे लिए आई लगेगा। आर का वाज हो गया, प्लेइंग का फुटबॉल, टुमारो का क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा रीराइट ई सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको इंडेक्स स्पीच में दे दिया, आपको कह रहा है इसको डायरेक्ट बनाइए। क्या बनाइए? डायरेक्ट, उल्टा करना है। तो आप देखिए, आक्स लिखा है ना, आक्स लिखा, आप आक्स भी लिखा रहने दे सकते हैं। अगर आक्स लिखा है तो आक्स भी आप लिख के रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आक्स दे, तो आक्स दे तो लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक रूल होते हैं ना, बेसिक रूल, वहाँ पे सेट टू लिखा होता है। मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोट्स बना रखे थे, ये बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं। ये देखिए, देखिए सेट टू जगह आक्स लगाते हैं जब क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसलिए तो मैंने कहा ये ले रूल याद रख लो, ये बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं और बिल्कुल सारे हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, इतने अच्छे से बना रखे हैं आपके लिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे डबल फैमिली आ गई, तो हम समझ गए ये क्वेश्चन मार्क वाला है। और क्वेश्चन मार्क वाला, तो आज से हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं, सेट टू भी लगा सकते हैं। ईशा से क्या रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, और डबल फैमिली में जो ना डेट लगता है ना हटाएंगे, तो वाई का वाई आ गया। उसके बाद शी वाज राइटिंग नोट्स, अब आपको उल्टा करना है। ठीक है, तो शी है ना, ठीक है, तो शी इन्हें बोला वाई शी वाज राइटिंग नोट्स, तो आपको ईशा को, ईशा से हम बात कर रहे हैं, तो आपको इसे यू में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई आर यू राइटिंग नोट्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट में बदल दें। मतलब अभी आपको क्या करना था, देखो आपको मैंने सिखाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है, अब आपको पास्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना होगा। अगर आपने वो वाला सीख लिया तो इसका उल्टा आपको आ जाएगा। तो पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको देख लेना। आगे देखिए, मदर रिमाइंडेड असलम टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब माता ने याद दिलाया असलम को कि भाई बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले लाइट को जरूर बंद कर दो। ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे लिखोगे, रिमाइंडर की जगह हम सेट टू लगा देंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो बाकी सारा सेम है। यहाँ पर आपको शुरू से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कि लाइट को बिल्कुल मत भूलना जलाने से पहले, क्योंकि टू है ना, टू, अब टू लगा देते हैं इम्पेरेटिव में, हाँ है ना। तो आपको शुरू में थोड़ा सा इस प्रकार का वाक्य लिखना है जिसमें उसको रिमाइंडर करवा रहे हैं, उसको इम्पेरेटिव में बना रहे हैं। तो पेरेंट में डू का यूज़ करता करो, डोंट इस तरीके से। ठीक है, आपको पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट की तरफ अच्छे से आ पाओगे। देखो यहाँ पे एडवाइस आ गया, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव है ना। तो यहाँ बोला है द टीचर एडवाइस द किड्स टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम, कि बच्चों अच्छे से पेपर की तैयारी करो। द टीचर सेट टू लग जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, टू गैप करके प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, खाली इतना लिख दें। और इसको भी अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मदर की जगह मदर लिखो, रिमाइंडर की जगह सेट लिखो, असल की जगह असल लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखो, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड, खाली इतना लिख दो। अगर ये नहीं लिखना चाहते ना, डोंट फॉरगेट टू, तब भी आपका सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। पर थोड़ी सी इंग्लिश और अच्छी हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा आपको, जिसके अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू हटा के इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, बाकी सारा सेम उतार दिया। इम्पेरेटिव में तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती। अब देखो नेहा
said that she was planning to relocate to Mumbai this year. ठीक है, तो वो क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, ठीक है, रेलोकेट करने की कोशिश कर रही है मुंबई को इस साल. तो अब आप देखो दिस ईयर का, अब दिस ईयर ही कर देंगे क्योंकि वैसे तो दिस का दैट लिखा होता है, यहाँ पे इन्होंने दिस से लिख के दे दिया तो हमें दिस ही करना पड़ेगा. अगर दैट होता तो हम दिस कर देते, ठीक है, सैट की जगह सैड ही रहने देंगे. फिर हमने क्या करें, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया. ठीक है, शी का क्या कर देंगे, वह, तो हम आई मान लेंगे, आई वॉज प्लानिंग, कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ. तो आई, क्योंकि पता मैंने आई क्यों करा, क्योंकि नेहा लड़की है ना, तो शी के लिए, नेहा के लिए लड़की लगे, शी लगेगा, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे आई कर दिया, क्योंकि शी नेहा ही तो है, तो आई कर दिया. ठीक है, तो उसके बाद ये पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में, तो हम पैरेंट में बदल देंगे. ठीक है, और अगर मान लो किसी बच्चे ने क्या कर दिया, शी इज़ प्लानिंग टू रिलोकेटेड टू मुंबई दिस ईयर, ठीक है, तब भी उसका सही हो जाएगा. अगर, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया ना सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, कि पास्ट मतलब थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन वो तो चेंज होता ही नहीं. आप अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल रहे हैं ना, तो आप क्या करो, कोशिश करो ये वाले सेंटेंस यूज़ कर दो. जैसे उसमें ही शीट लिखा है तो आप ही शीट ही रहने दो, क्योंकि वो तो चेंज होते ही नहीं है. हाँ या ना, ठीक है. इस तरीके से देखो मैंने पूरा का पूरा आपको वर्कशीट भी और नरेशन, मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का नरेशन करवाना ही था. एक बार मैं सारे आंसर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स.